माहौल क्या है उस देखो, माउंटेन क्रेस्ट। सब्सक्राइब लाइक शेयर आवर चैनल माउंटेन क्रेस्ट। यह हमारे पास पैसा है नहीं, भागने की पूरी तैयारी में भाई। तैयार भाई, तैयार भाई, तैयार। सीएच नंबर देख के बाहर का समझे क्या, पहाड़ी है मैं तो। और कुछ भाई कोई कहना चाहे, अपनी मन की इच्छा हो, कुछ मन की बात करना चाहे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी अपने भाई सुलभ उठ चुके हैं, एक बंदा उठ गया अपना, दो बंदे अभी सोए ही हैं, मैं भी सोया ही हूँ। मतलब आधा सोया हूँ आधा उठा हूँ, पता नहीं सोया हूँ या उठा हूँ, लेटा हूँ। नतीश तो चला गया बाहर चाय का प्रबंध करने। नतीश भाई सुबह सुबह चाय का बंदोबस्त करते हुए उठते हैं। अभी बाहर का व्यू देखते हैं चल के, नदी की बड़ी आवाज़ आ रही है, रात को तो दिखी नहीं थी, अभी देखते हैं कैसी है। बिल्कुल बगल में ही है यहाँ पे, चलो उठते हैं चलते हैं। ढोए ओ भाई, ये देखो कैसे सोए हैं लाला मधोस भाई। उठो यार, उठो यार, गुड मॉर्निंग यार, उठो भाई, चल चलते हैं बाहर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। लो भाई, भाई अपना ना चाय तैयार कर दी सुबह सुबह। बस लायक है क्या, चाय या कॉफी? कॉफी। ये है भाई साहब वो नदी जो रात को हमें दिख नहीं रही थी पर सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। तीर्थन नदी है ना ये तीर्थन रिवर है, ये बिल्कुल इसके साइड में ही है। और वो देखो ऊपर तक पहाड़, सुपर सुपर रिवर साइड कैंपिंग, सुपर सुपर लोकेशन, सुपर कैंपिंग साइट्स। हेलो, ये था अपना छोटा सा कॉटेज जो हमने बुक किया था। मतलब कॉटेज टूर तो आपको दिया ही नहीं, एक अच्छा सा कॉटेज टूर दे देता हूँ। ये है सिंगल रूम, दो डबल, एक छोटा सा एक सिंगल लगा है यहाँ पे, दो तीन बंदों का जितने भी तुम एडजस्ट हो सकते हो। और ऐसे एक फैन लगा है, वुडन फिनिशिंग है, अच्छी फिनिशिंग है, वुडन फिनिशिंग है, सारे चेयर है, टेबल है। और इस तरफ है अपना बाथरूम जो कि सुपर लग रहा है देखने में, गीजर लगा है, वेस्टर्न सीट है, वॉश बेसिन, मिरर, अच्छा है मतलब कॉटेज। चार गिलास कॉफी के, अरे वो पैसे करनी थी ना शेक करके, दूध डाल दिया, अभी कॉफी पियेंगे भाई सुबह सुबह मस्त। जो भी बनेंगे जो भी खाएंगे पियेंगे अपने हाथ का, सब इंतजाम है अपने पास। मस्त बनी है यार, ठंड में तो सुबह सुबह कॉफी पीने का जो मजा है ना गजब। तो ये तीर्थन वैली, यहाँ पे इतने जबरदस्त कैंप साइट्स हैं, लोकेशन है, मतलब यहाँ पे ना एक्सप्लोर करने के लिए बहुत मस्त मस्त जगह है। तो आज हमारा यही प्लान है, हम जिब्बी ये बंजार वैली को यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे आज, देखते हैं क्या क्या है देखने के लिए। और अभी वैसे ही ऑफ सीजन चल रहा है तो इस पूरे कैंप साइट में हम अकेले आए हैं यहाँ पे, हमारा ग्रुप अकेला है यहाँ पे, और किसी ने कोई बुकिंग नहीं, सब खाली पड़े हैं। तो ये भी एक, जब इस टाइम ऑफ सीजन में आप आते हैं तो आपको एकदम मतलब बिल्कुल, अगर आप अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं फ्रेंड्स के साथ तो बढ़िया है, भीड़ भड़क का कुछ नहीं है अभी, क्योंकि पीक सीजन में तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, बंदे बहुत ज़्यादा आते हैं उस टाइम। तो बॉनफायर भी कम्बाइंड ही होता होगा, ऐसे पर्सनल बॉनफायर शायद देते नहीं हैं। बंजार से जब गुशैनी वाला रोड लेते हैं तो मतलब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का अगर आप मैप में डालोगे ना, उसी लाइन पे बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी आपको, कैंप साइट्स। और ये होम स्टे ज़्यादातर यहाँ पे होम स्टे हैं, और किसी किसी ने कैंप भी लगा रखे हैं, अपने टेंट वगैरह लगा रखे हैं मतलब। तो ये गुशैनी वाले रोड पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे होम स्टे, और रिवर साइड में है ऐसे तो लोकेशन भी बढ़िया है, आप देखने के लिए मस्त है। लाला भी उठ ही गया भाई आखिरकार, देखो इसकी कॉफ़ी भी पीने का प्लान हमने बनाया था, तो जैसे इसने सुना पता नहीं नींद में ही
कि कॉफ़ी बहुत टेस्टी बनी है ना, बब्बू भाई का प्लान फेल कर दिया इसकी कॉफ़ी पीने का। दे दे दो थोड़ी सी इसको। नहीं बस। इसका सिर ही नहीं उठ रहा है, देखो ऐसे लटका हुआ है, बुरा लटका हुआ है, उठ नहीं रहा। उठाना है सिर, उठाऊं तेरा? बिस्कुट। हेलो भाई जी, गुड मॉर्निंग भाई। सुबह सुबह अपना क्रियाकलाप में लग गया है। तो ये देखो, ये है यहाँ का व्यू। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टेंट हैं, 8, और एक कॉटेज है इनके पास। और यहाँ पे अपना रात को डिनर वगैरह करने के लिए भी एक अलग से हट बना रखा है, और बॉर्न फायर यहाँ पर, पूरा एरिया खाली है। और ये ऊपर भी रेस्टोरेंट्स हैं सब जगह, यहाँ पे होम स्टे रेस्टोरेंट्स बहुत हैं इस लाइन में। और ये देखिए नदी, आह, इसका अलग ही मजा है भाई साहब। नदी हो बगल में और आप कैंपिंग कर रहे हो या होम स्टे कुछ भी है, कहीं भी रह रहे हो, बॉर्न फायर दे रहे हो, और बगल में अगर नदी है ना तो अलग ही फील आता है। इसकी जो आवाज़ है ना, जो आपको सुनाई दे रही होगी, सुनो जरा ये वाली आवाज, कानों में एकदम मतलब ठंडक सी मिलती है। ठंड तो वैसे ही है पर एकदम शांति मिलती है। भूल गए उस, देखो माउंटेन क्रेस्ट। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आवर चैनल माउंटेन क्रेस्ट। तो अभी फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अपना ये जो रिवर है ना अपनी, यहाँ पे एरिया एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या है उधर, आगे कुछ लोग फोटो शूट भी कर रहे हैं। आजा भाई जल्दी आ भाई, लोकेशन तो एक्सप्लोर करना बनता है। जबरदस्त यार, वो देखो पहाड़ी पे पूरा गांव बसा हुआ ऊपर, देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये क्या सुपर लोकेशन है। वहाँ पे लोग, वहाँ पे एक पूरा ग्रुप आया हुआ है बंदों का, वहाँ फोटो शूट कर रहे हैं बंदे पूरे। पत्थर तो बड़े बड़े हैं भाई साहब यहाँ पे। यहाँ पता क्या है, ये मतलब भाई से जब बात हुई, मतलब फुल फ्लो में जब यहाँ बरसात का सीजन है ना, तब भी ऊपर पानी नहीं चढ़ता, मतलब थोड़ा नीचे नीचे रहता है, क्योंकि काफ़ी वाइड एरिया में फैली हुई है। और वहाँ पे देखो वो आए हैं फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं बंदे, पूरा ग्रुप है ये। ये बाहर से आते हैं एकदम से, पानी वानी कहीं ऊपर से आ जाए ना फिर गड़बड़ होती है, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं रहता कब पानी आएगा। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, पानी आने का भी कोई टेंशन नहीं है, अभी तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा फ्लो इसका। लाला बस कर यार, कितने फोटो खींचेगा, चलो भाई फोटो शूट हो गया यहाँ पे, रील वील बना ली लड़कों ने, अभी चलते हैं वापस यहाँ से पैकअप करके। अभी चलेंगे, लो भाई बोल रहा है ऐसे रहो, ऐसे एक और फोटो खींचेगा। अब यहाँ से निकलेंगे अपन मिनी थाईलैंड, एक यहाँ पे जगह है मिनी थाईलैंड, वहाँ चलेंगे भाई, मज़ा आने वाला है। वहाँ भी एकदम मस्त लोकेशन है सुनने में आया है, बाकी देखने में क्या आया है अभी वो तो जाकर ही पता चलेगा। बने रहो हमारे साथ, देखते रहो माउंटेन क्रेस्ट, और बढ़िया मज़ेदार जगहों पे लेकर चलेंगे आपको। भाई अभी क्या हाल, तो पता क्या है, हमारे पास पैसा है नहीं, भागने की पूरी तैयारी में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई तैयार हो, भाई तैयार हो, भाई तैयार हो, निशु भाई गाड़ी की चाबी रेडी, आप वहां पे बात करो, हम सीधा भागने की तैयारी में। इसको इधर से एक एक बंदा निकलो साइड से, साइड से क्यों, यहां से चलते हैं। अरे एक एक बंदा निकलो, दिखेगा नहीं उसको। गाड़ी की चाबी दो, हम स्टार्ट करके रोड पे रखते हैं ना, साइड से निकलो एक एक बंदा करके। निकल रहे भाई चुपके से निकल रहे हैं, होटल वाले को पता नहीं लगेगा, बिना पैसे दिए निकल रहे हैं यहाँ से। तो सामान अभी हमने कर लिया अपना पैक, अभी निकल रहे हैं भाई साहब अपनी गाड़ी की तरफ, और वहाँ से चलते हैं आगे कहीं पे, कहीं अगली डेस्टिनेशन की तरफ। चलो भाई चक्को अपना तड़ा तुम नहीं। तो फाइनली भाई को अलविदा कहने का समय आ गया है, हो सकता है रात को फिर से हम फिर यहीं पर आएँ। दीपक भाई जी यहाँ के ओनर, कैंपिंग मैनेजर जो कह लो, इनका नंबर वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर आप यहाँ पर आते हो तो इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना, पहले कर लेना या हमसे कर लेना, अच्छे पर्सन हैं। इनके पास टेंट 7, कितने 9 टेंट है ना,
8 टेंट हैं और एक हट भी है जिसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। हमने खुद उसमें हट में रुके थे। तो ठीक है भाई जी, ओके, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, थैंक यू वेरी मच। इधर रोप वे से कैसे बंदे सामान यहाँ से वहाँ भेजते हैं, बहुत तगड़ी टेक्निक है भाई, टेक्निक इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब हम जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसमें हम नहीं जा रहे हैं, बट हम जा रहे हैं सीधा जिब्बी में वाटरफॉल। यार गाड़ी ऊपर ही लेके आ रहे हैं यार, क्या बंदा यार, दे रहे आराम से। सीएच नंबर देख के बाहर का समझे क्या, पहाड़ी है। मैं वाटरफॉल कहाँ पे है इधर? अच्छा बाय वॉक ही है, यहीं से गाड़ी यहीं खड़ी कर ले। अच्छा तो फिर नीचे कौन जाएगा यार अब अंडे वगैरह लेने, यहीं ले लो। यहाँ रोड साइड ये हट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे कैफे, और वाटरफॉल यहीं पे है, वॉक करके यहीं बता रहा भाई कहीं आगे। आज लोगों ने लगा दिए गाड़ियां भी यहाँ पे, हम पहले अपने लिए बनाएंगे मैगी। मैगी बनाएगा और ना शेफ बब्बू, नहीं शेफ नहीं, ब्रेकफास्ट नतीश बनाएगा। सूरज देवता प्रकट हो चुके हैं, बर्फबारी का कोई आसार नहीं, मौसम बिल्कुल क्लियर। भाई के बर्फ फ्रेश स्नोफॉल देखने की इच्छा आज अधूरी रह गई, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। रहा था पीछे से ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, देखिए क्या शानदार नजारा दिख रहा है यहाँ से, दिल्ली नहीं भरता भाई इनको देख देख के, जितना देखोगे और देखने का दिल करेगा। भाई ले आया पानी की कैनियां भर के, पानी लाना भूल गए थे यार हम, पानी बहुत है। अभी बनेगा अपना ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या बनेगा, 12 बज गए यार, ब्रंच ही हो गया अब तो। ये ब्रेकफास्ट का इंतजाम करेंगे अपने नीतीश भाई, नीतीश के जिम्मे है ब्रेकफास्ट और डिनर बब्बू, ब्रेकफास्ट नीतीश डिनर बब्बू। चको निकालो अपना तड़ा तमणिया। भाई अपना ब्रेकफास्ट लगभग रेडी हो चुका है, बस फाइनल स्टेज में है। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको जलोड़ी पास देखना है और जिब्बी का लोकल एरिया एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ पे भी नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको दुनिया भर के रेस्टोरेंट, होटल और ये सब मिल जाएगा, कैंपिंग साइट्स मिल जाएंगे। क्या अपनी भाई साहब रोड साइड मैगी बनकर है तैयार विद एग, स्पून डाल के यहीं पे होगा अपना ब्रेकफास्ट। बहुत बढ़िया यार, शाम को भी काम है ये, शाम को भी चार प्लेटें, चार प्लेटें बची हैं यार, ले लेंगे डिस्पोजल। और अब डाल दिया ना, इसी में डाल दिया, मैं बोल रहा हूं ना कि रहने दो, इसमें डाल दो, बस हो गया, इसे उठा लेगा बंदा, दो इधर हो जाएंगे, दो इसमें खा लो, दो इसमें खा लेंगे। रखो ब्रेड, रखो ब्रेड, हो गया सेंटर में। कैसा हो रहा टेस्ट, जरा टेस्ट करके बताओ कैसा है भाई? गजब तो होगा ही, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अब भाई ब्रेकफास्ट हो गया अभी हमारा, अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल देखने, वो तो पहले ही बताया था। तो और कुछ भाई कोई कहना चाहे, अपनी मन की इच्छा हो, कुछ मन की बात करना चाहे, मन की बात कोई करना चाहे तो कर सकता है, अभी और कहीं घूमना है, बर्फ देखनी है। सुनो तो सही, मन की बात तो भाई जी मोदी जी करते हैं। अच्छा तो तुम कहाँ करते हो, दिल की बात? हम तो भाई दिल से जुड़े हुए आदमी हैं, हम भाई मोदी करता है मन की बात, ये करता है पेट की बात। पेट की बात करता है, वेदर हो गया भाई साहब, ये देखो दिख रहा है ना, क्लाउडिंग एकदम एक से एक सट गए हैं, बर्फबारी भी हो सकती है अगर किस्मत अच्छी रही तो बर्फबारी भी देख ही लेंगे। यहाँ पे लोकल वेंडर्स रोड साइड में देखो आपको सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे शॉल वगैरह सर्दी का पूरा आइटम लगा हुआ है, पहाड़ी टोपी से लेके शॉल, ऊन, ऊन का हर स्टफ मिल जाएगा, क्योंकि सर्दियाँ आ गई है ना तो इनकी भी अभी चांदी है, यहाँ पे बेचते होंगे डबल डबल रेट पे। जिब्बी वाटरफॉल ये है ना, इधर से है एंट्री, तो जबरदस्त है भाई साहब वाटरफॉल के लिए।